नमस्कार किसान साथियों, आज मैं आपको मेरे फार्म पर मिर्ची की फसल, इस बार तो एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला है जो आप इस वीडियो को देखकर खुद ही अचंभा करेंगे कि ये ऐसा कैसे संभव हो गया। मुझे भी विश्वास नहीं था कि ऐसा हो पाएगा, पर वास्तव में ऐसा हो गया। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, सभी पौधे देख रहे हैं, आप देखिए इस खेत के अंदर जिधर भी आप देखेंगे, इस खेत में अभी भी कुएं का पानी नहीं दिया है। इसमें मिश्रित खेती है। मुख्य खेती सौंफ सौंफ के साथ मिर्ची, ये अक्सर हम दो मिश्रित खेती करते हैं। ये आप देख रहे हैं, बीच बीच में हमने आज फेरोमोन ट्रैप लगाए ताकि इल्लियों का प्रकोप न हो। बता दूं किसान साथियों, विगत दिनों जो हमने वेस्ट डी कंपोजर, सरसों की खली, नीम की पत्तियों से जो कंपोस्ट खाद बनाया था, 45 दिन उसको सड़ाकर पलट कर उस खाद को हमने खेत में डाला था, इसी खेत में डाला था। उसकी वजह से ये मिर्ची की फसल आज बिना किसी केमिकल के उपयोग किए, बिना किसी कुएं के पानी के दिए, आप देखिए नालियां बनी हुई है पर कहीं पे भी निशान नहीं है कि यहाँ से रेत को हटाकर क्यारी में पानी दिया गया है। ये बरसात आधारित उगी है क्योंकि बरसात ने इस बार हमारा बहुत अच्छा साथ दिया। ऊपर बादल तो छाए हुए हैं, फसल थोड़ी सी पीली है क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैंने क्या क्या जतन किए, आज पूरा वीडियो में आपको सब विस्तार बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, शायद अगर आप मिर्ची की फसल करते हैं और आपके भी ये समस्या आ रही है तो आप इसका समाधान आसान तरीके से समय से पहले कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जो कंपोस्ट खाद सरसों की खली, रॉक फॉस्फेट, नीम की पत्तियां, उसको हमने 45 दिन तक विगत दिनों सड़ा कर गला कर उसका कंपोस्ट तैयार किया था। जब उसको हम खेत में डालने के लेके आए थे तो उसको भरने में आसानी थी, हल्का था, उसमें गंध नहीं थी, और तो और उसको भरने में, जो खाली करने में जो बड़े बड़े अक्सर ढेले रह जाते हैं वो ढेले नहीं रहे। और इसका प्रयोग जैसे ही हम खेत में लाए उसी दिन छितरा कर जमीन में दबा दिया था। अक्सर किसान भाई खेत में गोबर खाद को छितरा कर छोड़ देते हैं जिससे कि उसके अंदर जीवाणुओं की वाष्प है वो खत्म हो जाती है, तो ऐसा ना करें। हमने उसी दिन दबाकर कल्टीवेटर चला दिया था। उसके बाद जब पहली बरसात आई उससे पहले हमने इस के अंदर क्यारियां बना दी। उसके अंदर क्यारियां बनाकर हमने इसके अंदर सौंप और मिर्ची का बीज डाल दिया। बरसात आधारित उग गई। 15 दिन पहले, आज तारीख है 18 अगस्त, इससे 15 दिन पहले मतलब 4 तारीख को हमने इस मिर्ची की फसल के अंदर महुए का अर्क, जो कि बहुत ही बढ़िया, इसका उपयोग हम कई सालों से करते आ रहे हैं, और इसके साथ हमने दिया था हल्दी और प्याज के रस का घोल। हल्दी और प्याज के रस का घोल देने से जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है वो नियंत्रण हो जाता है, और पत्तियों का जो ऊपर की ओर मुड़ाव होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इस समय आप इस पौधे को जो देख रहे हैं, केवल एक ही बार इसके ऊपर प्याज का रस, महुए का रस, वेस्ट डी कंपोजर का उपयोग किया गया है। अब 10-15 दिन से बादलों के ज़्यादा रहने से, रोज़ रोज़ बारिश आने से, प्रति घंटे प्रति 2 घंटे के बाद बारिश आने के कारण हम इसके ऊपर स्प्रे नहीं कर पाए। फिर भी फसल में कोई रोग नहीं, कोई इल्ली का प्रकोप नहीं, कोई भी तरह का पत्ती मुड़न रोग नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है तो इसके ऊपर हम फिर से नीम की पत्तियों का रस साथ में मिलाएंगे।
महुआ का अर्क साथ में मिलाएंगे, पत्ती मूड़न रोग को खोलने के लिए प्याज और हल्दी का जो घोल बनाया उसका स्प्रे इस पर फिर से चालू करेंगे, ताकि समय रहते इस पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आए। देखिए, ये वेस्ट डीकंपोजर आधारित मिर्ची, इसमें अभी तक वेस्ट डीकंपोजर सिंचाई के साथ नहीं दिया, विगत फसल में दिया जाए तो पिछली बार फसल लगाई थी उसमें दिया था। इस बार हमने अच्छा बढ़िया गुणवत्ता वाला वर्मी कंपोस्ट बनाकर इस खेत में डाल दिया है, तो आप देखेंगे मशरूम, असंख्य अनगिनत छोटी छोटी ऐसी लाभदायक मशरूम इस खेत के अंदर उग गई है और खेत अंदर धस रहा है जैसे मलमल का गद्दा उसके ऊपर अमन पांव दे रहे हैं। और जिधर भी देखो छोटे छोटे छिद्र केंचुओं ने कर दिए, जमीन में गड्ढे हो गए हैं, पानी आसानी से जा रहा है। ये देखिए ये मशरूम, असंख्य मशरूम आप इस खेत में बायोमास भी देख रहे हैं, बीच बीच में कंपोस्ट खाद जो कि 45 दिन हमने गलाकर बनाया था, उपयोग किया था। तो किसान साथियों, अगर आपको मिर्ची की फसल से संबंधित चूरड़ा मुरड़ा यानी कि माथा बंद जाता है, पत्तियों में छेद हो रहे हैं, पत्तियां साफ सुथरी नहीं निकल रही है, पत्तियां पीली आ रही है, तो इसके लिए आप अगर जानकारी चाहते हैं तो केवल व्हाट्सएप करें। कॉल पर बात करना मेरे लिए बहुत असंभव हो जाता है, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा ध्यान रहती है। तो आपसे मेरा निवेदन है आप मुझे केवल व्हाट्सएप करें, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9461691944।